दोस्तों कई सारी लड़कियों के कमेंट आए थे जो कि गांव से बिलोंग करती हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने फिजिकल की तैयारी कैसे जो लड़कियां गांव में रहती हैं और वो अपने फिजिकल की तैयारी करना चाहती हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको बुलाया जा सकता है फिजिकल के लिए लेकिन वो अपनी तैयारी कर नहीं पा रही है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। दोस्तों मैं भी गाँव से बिलोंग करती हूँ और मैंने जैसा किया था वही एडवाइस मैं आपको भी दूंगा। करने का एक फायदा है कि आपका जो प्री वर्कआउट है वो हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छे से हीट हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जो नसें, कई बार हम उठते हैं, सो के उठते हैं और रनिंग करने चले जाते हैं तो नस खिंच जाती है जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अपने बॉडी को पहले अच्छे से वार्म अप करना है। तो जो स्पेशली गांव की लड़कियां हैं उनको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप गांव में रहती हैं, आपके गांव में सड़क होगी या फिर कोई ऐसा ग्राउंड है, एक चीज जरूर करिएगा, चप्पल सैंडल इन चीजों का यूज नहीं करिएगा, शूज पहन के आप रनिंग करिएगा। सबसे पहले आप पहले अपनी रनिंग पे फोकस करिए, थ्रो और जंप इसको बाद में करिएगा। अगर आपके पास पिच नहीं है तो मैं मना करूंगी बिल्कुल भी आप जंप नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी गलती मैंने की थी। थ्रो की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अगर आपके पास गोला नहीं है तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि आपको कैसे थ्रो की प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों कई सारी लड़कियों के कमेंट आए थे जो कि गांव से बिलोंग करती हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने फिजिकल की तैयारी कैसे करें, वो जा नहीं सकती हैं और वो अपना फिजिकल की तैयारी अपने गाँव में ही करना चाहती है। तो दोस्तों ये वीडियो उन्ही के लिए है। तो दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं और आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो स्पेशली गांव की लड़कियां हैं उनको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप गांव में रहती हैं, आपके गांव में सड़क होगी या फिर कोई ऐसा ग्राउंड है, फिजिकल ग्राउंड है, तो आप वहां पे जाके अपनी तैयारी कर सकती हैं। अगर आपके पास फिजिकल ग्राउंड नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं क्या करती थी, मैं सुबह 5 बजे उठती थी, क्योंकि गाँव का जो माहौल होता है वहां पे जनरली सब लोग 5 से 6 के बीच में उठ जाते हैं। आजकल लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप इससे ज्यादा पहले उठिए और फिर सड़क में जाइए दौड़ने, क्योंकि महिलाओं संबंधी बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको वो टाइमिंग सेलेक्ट करनी है जिस टाइम पे आपके गांव वाले मतलब चहल पहल हो जाती है, कुछ लोग उठ जाते हैं, बिल्कुल सुनी रोड नहीं हो, इसलिए मैं आपको 5 से 6 का बीच का टाइम बोल रही हूँ, क्योंकि गांव में इतने टाइम में लोग टहलने लगते हैं या फिर जो है तो जो भी अपना काम है वो करने लगते हैं। आप उठिए 5 बजे, 5 बजे उठ करके आराम से पहले आप आधा किलोमीटर समथिंग आप पहले वॉक करिए, जैसे आपकी बॉडी वार्म हो जाए अच्छी तरह से। वॉक करने से क्या है, अगर आप वार्म अप नहीं भी कर पा रही हैं, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं पता है, तो आपका वार्म अप चलने से हो जाएगा। मैं जैसे वार्म अप नहीं कर पाती थी या फिर इतना टाइम नहीं था, तो पहले मैं आधा किलोमीटर वॉक करती थी। वॉक करने के बाद फिर उसका सबसे बड़ा मेरे वॉक करने का रीजन ये था कि रोड खराब थी, 5 किलोमीटर बाद फिर सॉरी आधे किलोमीटर बाद रोड अच्छी थी, इसलिए मैं वॉक करती थी। वॉक करने का एक फायदा है कि आपका जो प्री वर्कआउट है वो हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छे से हीट हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जो नसें, कई बार हम उठते हैं, सो के उठते हैं और रनिंग करने चले जाते हैं तो नस खिंच जाती है जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको अपने बॉडी को पहले अच्छे से वार्म अप करना है, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आधा किलोमीटर वॉक कर लीजिए, उसके बाद आपको रोड पे ही रनिंग कर लेनी है, कोई दिक्कत। एक चीज जरूर करिएगा, चप्पल सैंडल इन चीजों का यूज नहीं करिएगा, शूज पहन के आप रनिंग करिएगा, दिक्कत हो सकती है, आपकी नस खिंच सकती है। तो शूज पहन के आप अच्छे से 5 बजे उठिए, 5 बजे आप निकल जाइए रनिंग के लिए और 5 से 6 आपको अपनी रनिंग पे फोकस करना है। सबसे पहले आप पहले अपनी रनिंग पे फोकस करिए, थ्रो और जंप इसको बाद में करिएगा। अगर आपके पास पिच नहीं है तो मैं मना करूंगी बिल्कुल भी आप जंप नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी गलती मैंने की थी, बिल्कुल प्लेन सरफेस में जंप कर गई थी जिसकी वजह से मेरे लिगामेंट में इंजरी आ गई थी। तो जंप की प्रैक्टिस आपको ऐसे नहीं करनी है, जब आपको जंप के लिए आपको जो पिच होती है, जो भी जंपिंग एरिया है वहां अगर मिले तभी आपको जंप की प्रैक्टिस करनी है। थ्रो की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अगर आपके पास गोला नहीं है तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि आपको कैसे थ्रो की प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो रनिंग है, रनिंग में आपको अच्छे से, अगर आपको शुरू से ही आपको फुल एफर्ट नहीं लगा देना है रनिंग में, आपको पहले अगर आपको 1 किलोमीटर मतलब 800 मीटर दौड़ना है तो आपको पर डे अपना 2 किलोमीटर का स्टेमिना बनाना है। 2 किलोमीटर का स्टेमिना आपका सफिशियंट है 800 मीटर की रनिंग के लिए। तो मैं यही करती थी, मैं 2 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ती थी, धीरे धीरे दौड़ते 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 जब आपके अंदर स्टेमिना आ जाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में आपके सांसें फूलेंगी, आपका मन नहीं करेगा दौड़ने का, आपके पैर भारी होंगे, तो आपको शुरू शुरू में अपना बढ़िया धीरे धीरे दौड़ के स्टेमिना बनाना है। जब आपको लगे समथिंग 15 से 20 दिन बाद जब आपको लगे कि हाँ आपके अंदर स्टेमिना आ गया है, अब लगातार आप 2 किलोमीटर दौड़ लेते हो, आपकी सांस नहीं फूलती, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तब आपको फिर टाइमिंग लेनी है।
तब आपको अपनी टाइमिंग लेनी है कि आप कितना दौड़ लेते हैं। लेकिन 2 किलोमीटर पर डे आपको दौड़ना है, ये नहीं कि अब आपकी टाइमिंग आने लगी तो आप 800 मीटर बस करें। आपको अपना स्टेमिना बना के रखना है, जब आप 2 किलोमीटर दौड़ेंगे तब जाके आपकी 800 मीटर की रनिंग क्लियर होगी और आपको अपना आराम से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका इजिली फिजिकल निकल जाएगा। इसके बाद आता है गोला। अगर गोला आपके पास नहीं, जैसे मेरे पास गोला नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आसपास देखा, आप गांव में रहती हैं, आसपास कई सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो भारी होते हैं, जैसे लड़कियों की बात की जाए 4 किलो का उनका गोला होता है, तो कोई ऐसा पत्थर ढूंढ लीजिए जो गोल तरह का हो या कुछ भी गोल नहीं है, चौकोर भी है, मेरे पास जैसे चौकोर टाइप का था, तो मैं उसको उठा के बस आपको सबसे पहले थ्रो नहीं करना है, पहले आपको 5 से 10 दिन उस गोले को लेना है, उसके साथ आपको वार्म अप करना है, उसको उठाना है, उसको अपने हैबिट में लाना है उस गोले को, जिससे कि आपकी ये जो शोल्डर है थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और उसके हिसाब से वो अपने आपको उसको एक्सेप्ट कर ले जाए कि अगर आपने इससे पहले कभी वेट नहीं उठाया है और आप उठाएं और थ्रो डायरेक्ट थ्रो कर दें तो आपको हो सकता है कि आपका कंधा खिंच भी सकता है, कोई नस खिंच सकती है, तो उसको पहले लेकर के उसके साथ आराम से वार्म अप करना है आप 5 से 10 दिन तक, जब आपको लगे कि हाँ आप उसके साथ सुटेबल है तब आपको उससे थ्रो करना है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करती रहना है, आराम से आपका थ्रो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आती है जंप की बात। तो जंप के लिए अगर आपके पास अभी कोई पिच नहीं है तो आप करिए, अपना इन दोनों चीज पे फोकस करते रहिए और फिर आपके आसपास जो भी शहर है वहां पे कोई ना कोई स्टेडियम होगा तो वहां 1 या 2 दिन के लिए चले जाइए। मैं तो बस 2 दिन के लिए गई थी और 2 दिन में ही मैंने अपनी जंप क्लियर कर ली थी। तो ये है गाँव की लड़कियों के लिए तैयारी की, वो कैसे अपने फिजिकल की तैयारी करें। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको जो टेंशन था कि आप फिजिकल की तैयारी कैसे करें, हम गांव में रहते हैं तो वो बिल्कुल टेंशन दूर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपके सिलेक्शन पाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि हमारा ये चैनल आपके सपोर्ट के लिए ही बना हुआ है और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए।